नमस्कार किसान भाई, और डी गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप बने हुए हैं डीवी धामा के साथ। किसान भाइयों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो धान की फसल के ऊपर करने वाले हैं। काफ़ी कमेंट्स मेरे किसान भाइयों ने मुझे किए हैं कि आप धान की फसल के बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं, बारिश का महीना चल रहा है और किसान भाइयों, बारिश के महीने में अत्यधिक कीटों का प्रकोप होता है और ठीक उसी वक्त पर हम इस अपनी धान की फसल को उगाते हैं, जिसके चलते किसान भाइयों इसमें कीटों का अत्यधिक प्रकोप हो जाता है। इसमें लगने वाले दो तीन कीट प्रमुख हैं जो हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। पहला कीट है पत्ती लपेटक। ये कुछ इस तरीके से पत्ती को दोनों सिरों से लपेट देता है और किसान भाइयों इसी के अंदर रहकर हमारी पत्ती को अंदर से खाता रहता है। और दूसरा कीट है किसान भाइयों तना छेदक। ये हमारे तने के अंदर घुस करके उसको बीच में से काट देता है, जिसके चलते हमारा जो ऊपर का गोब है वो धीरे धीरे सूखने लगती है, जिससे हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इन सब से बचाने के लिए किसान भाइयों आप फटेरा का इस्तेमाल करें। अगर आप समय रहते अपनी फसल में फटेरा डालते हैं तो इन कीटों से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों इसको समय से अपनी फसल में देने की। अगर हम इसे समय से अपनी फसल में देते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें इसका मिल जाता है। रोपाई के 20 से 30 दिन की फसल जब आपकी हो जाए तो उसके बीच में आप इसको दे सकते हैं, और देने के बाद किसान भाइयों आपको 4 से 5 दिन अपनी फसल में पानी बना के रखना है, 3 से 4 इंच। इसके डालने से किसान भाइयों हमारी फसल के जो कल्ले निकलते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, जिसे हम ब्यांत भी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी कीटों से हमारी फसल को ये लगने से रोक देता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी मात्रा की, हम किस मात्रा में इसको अपनी धान की फसल में दे सकते हैं। 1 एकड़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 एकड़ में आप 4 किलो फटेरा ले लेंगे और 5 से 6 किलो यूरिया खाद ले लेंगे। खाद की मात्रा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने का तरीका किसान भाइयों मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में बताया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूरिया खाद में इसको मिला लेंगे और मिला करके अपने खेत में इसको डाल देंगे। और किसान भाइयों इसको अपनी फसल में डालने के बाद आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि इसको डालने के बाद आप किसी इंसेक्ट या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसल में बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो इसका रिजल्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक हमारी फसल में बना रहता है और हमारी फसल की काफ़ी पैदावार इससे किसान भाइयों बढ़ सकती है। तो आप इसे समय रहते अपनी फसल में डाल दें। तो इसी जानकारी के साथ किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक नई जानकारी के साथ किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।